बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। तो बच्चों, ये काम आज हम कॉपीज पे करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपने फॉर्मेट रेडी करना है, डेट लिखनी है, क्लास वर्क और डे लिखना है, और टॉपिक लिखना है वर्क कम्स आफ्टर। तो वर्क कम्स आफ्टर का मतलब है कि जो बाद में आने वाले नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। जैसे कि 11 लिखा हुआ है, तो उसके बाद जो आएगा वो हमने यहाँ पे नंबर लिखना है। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसकी प्लेस वैल्यू बताऊँगी और कैसे बाद में लिखना है वो भी आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है वो है 1 और 1 11। तो बच्चों, इसके जो 1 की प्लेस वैल्यू है वो है 10s, और 1 की नेक्स्ट जो 10 लिखा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू है 1s। तो इसमें हम 1s को चेंज करेंगे, तो 1s को चेंज करेंगे तो इसलिए 1 के बाद जो आएगा वो हमने लिखना है। तो 1 के बाद क्या आता है? 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 2 12। इसी तरह बच्चों, नेक्स्ट 2 नंबर पे जो लिखा हुआ है नंबर वो है 2525। तो इसमें जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो है 10s, और 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1s। तो इसमें भी हम 1s को चेंज करेंगे, तो 1s में लिखा हुआ है 5, तो 5 के बाद जो आएगा नंबर वो हमने लिखना है। तो 5 के बाद क्या आता है? 6। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे 26। नेक्स्ट जो 3 नंबर पे है डिजिट वो है 28। तो बच्चों, इसमें 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10s, और 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1s। तो इसमें हम चेंज करेंगे 1s को, तो 1s को चेंज करेंगे तो 8 के बाद क्या आता है? 9। तो इस वजह से यहाँ पे हम लिख देंगे 2929। इसी तरह 4 नंबर पे आ जाएं, 4 नंबर पे 31 लिखा हुआ है। तो इसी तरह 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो है 10s, और 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1s। तो यहाँ पे हम 1s को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 के बाद क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3232। इसी तरह 5th नंबर पे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है 37। तो यहाँ पे 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10s, और 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1s। तो यहाँ पे हम 1s को चेंज करेंगे, तो 7 के बाद क्या आता है? 8। तो 7 के बाद 8 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3838। इसी तरह 6 नंबर पे आ जाएं, 6 नंबर पे लिखा हुआ है जी 40040। तो इसमें जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो है 10s, और 0 जो है उसकी है प्लेस वैल्यू 1s। तो इसमें भी 1s को चेंज करेंगे, तो 0 के बाद क्या आता है बच्चों? 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4141। 7 पे आ जाएं, 7 नंबर पे आ जाएं, 7 नंबर पे 44 लिखा हुआ है। उसी तरह 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो है 10s, और नेक्स्ट जो 4 लिखा हुआ है उसकी 1s। तो इसमें भी हम 1s को चेंज करेंगे, तो 1s को चेंज करके 4 के बाद जो आएगा वो लिखेंगे, तो 4 के बाद क्या आता है? 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45। इसी तरह बच्चों, नेक्स्ट 8 पे आ जाएं, 8 नंबर पे आ जाएं, 8 नंबर पे लिखा हुआ है जी 46। तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 10s, और 6 की प्लेस वैल्यू होगी 1s। तो इसमें भी हम 1s को चेंज करेंगे, तो 1s को चेंज करेंगे तो 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 47। तो बच्चों, ये आपने काम अपनी नीट कॉपीज पे करना है, और नीट एंड क्लीन करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।